हेलो एवरीवन, ये है वीडियो वेल और आज की वीडियो में हम कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो एक कमेंट आया इंजीनियर दुर्गा राव रावरी का, जो पूछते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड डिज़ाइन प्रोसीजर आल्सो आफ्टर एनालिसिस इफ एनी लिंक अटैच। वैसे तो मेरी स्टैट प्रो में डिज़ाइन आरसीसी डिज़ाइन की वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी एक स्मॉल वीडियो मैं इनके लिए बना देता हूँ। डिज़ाइन कैसे करते हैं, बहुत छोटी वीडियो बस बनाऊंगा मैं, शॉर्ट वीडियो होगी ये। एक बना बनाया स्ट्रक्चर ले लेते हैं या फिर जल्दी से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने जॉइंट बनाने के बाद ग्रिड को क्लोज किया, नोड कर्सर से जॉइंट को सिलेक्ट करते हुए ट्रांसलेट रिपीट टूल लेते हुए मैंने कुछ स्पैन्स बना दिए और अब इन स्पैन को क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ए से जेड डायरेक्शन में भी मैं कुछ स्टेप्स बना देता हूँ। ये रहा, अब इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से वाई डायरेक्शन में बिल्डिंग की फ्लोर्स और बिल्डिंग की हाइट हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ से। और अब हम यहाँ बेस डिलीट कर देते हैं, प्लिंथ बीम, और यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद हमारा प्रॉपर्टी देंगे इसमें डिफाइन प्रॉपर्टी। रैंडमली मैं दोनों को एक ही दे देता हूँ, बीम कॉलम को असाइन टू व्यू कर देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन एम है इसमें डिज़ाइन को समझना। और उसके बाद लोड, लोड में भी हम एक डेड लोड ले लेते हैं, एक लाइव लोड ले लेते हैं, और जो भी लोड आपको लेने हैं वो ले सकते हैं। डेड लोड ऐड किया, सेल्फ वेट ले लेते हैं और लाइव लोड में ले लेते हैं एक फ्लोर लोड, ठीक है, -3, बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर, और इसको असाइन टू व्यू कर देते हैं। एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं यहाँ से, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, इंडियन कोड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बना देगा। ये बना दिए, क्लोज। यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं और यहाँ से एनालाइज कर देते हैं, यहाँ पे ज़ीरो एरर आ गया। अब इसको डिज़ाइन करते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन करना है, स्टील, कंक्रीट, टिम्बर, एलुमिनियम, शीयर वॉल, कंक्रीट पे जाएंगे। अगर शीयर वॉल के लिए आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। कंक्रीट के लिए यहाँ पे IS कोड, जिस भी कोड के अकॉर्डिंग आप बिल्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं, IS 456। उसके बाद डिफाइन पैरामीटर, ये पैरामीटर है डिज़ाइन के लिए, सभी की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हमें जैसे कि क्लियर कवर देना है, तो बीम के लिए 25 mm और कॉलम के लिए 40 mm, तो यूनिट्स mm में मुझे, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर जो पैरामीटर्स है वो mm में और न्यूटन्स में मुझे याद है, तो मैं क्या करता हूँ यूनिट चेंज कर लेता हूँ। पहले यहाँ से यूनिट चेंज कर लेंगे, मिलीमीटर और न्यूटन, ओके। अब पैरामीटर यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे क्लियर कवर बीम के लिए होता है 25 mm, ऐड कॉलम के लिए 40 ऐड, और यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 ग्रेड ले लेते हैं, कंक्रीट स्टील का 415, ठीक है। ये स्टीरअप के लिए भी 415 ले लेते हैं हम। मैक्सिमम डाया कितना डालना चाहती है वो स्टील में, देखिए हमें एक रेंज देनी होती है। जैसे मैक्सिमम मैंने यहाँ पे दे दिया कि 25 mm, अगर मैं 25 सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद पूछेगा मिनिमम, देखिए यहाँ पे मिनिमम मेन मतलब मेन रिन्फोर्समेंट जो होती है आपकी, वो बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए, और मिन में हमने डाल दिया, जो IS कोड कहता है 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो मैंने 12 डाल दिया। अब हमारे पास ये दो रेंज आ गई, 12 और 25। अब ये क्या करेगा स्टैट प्रो, सबसे पहले प्रोवाइड करेगा 12, अगर 12 में हमारा स्ट्रक्चर पास हो रहा है तो ठीक है, वरना वो कॉम्बिनेशन डाल देगा 12-16 के और 25 तक ही ले जाएगा। 25 के बाद भी अगर पास नहीं हो रहा है तो वो फेल दिखाएगा, और 25 के बाद 32 नहीं डालेगा वो, तो एक रेंज हमें दे रहे हैं इसको। तो इस तरह मैक्सिमम मैंने दे दी है इसको 20, स्टीरअप के लिए दे दिया है मैंने 8, इसी तरह मिनिमम दे दिया है मैंने 12 मेन स्टील, और स्टीरअप के लिए दे दिया है 6, और रेशो परसेंटेज ऑफ स्टील मैक्स रिन्फोर्समेंट मेन रिन्फोर्समेंट, बस इतना। और भी चीज़ें हैं, आप इतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी इनको समझ सकते हैं आप, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। पैरामीटर्स हैं डिज़ाइन के लिए, क्लोज किया। उसके बाद कमांड है,
आप बीम डिजाइन करना चाहते हो तो बीम तो है इसमें, तो ऐड कॉलम करना चाहते हो, हाँ ऐड प्लेट या स्लैब तो नहीं है इसमें, टेक ऑफ से टोटल रिइंफोर्समेंट का वेट और कंक्रीट का वेट बता देगा, तो इसको भी ले लेते हैं क्लोज। अब ये जो पैरामीटर है जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है इनको हमें अप्लाई करना है, क्लियर कवर है किसके लिए है ये हमारा बीम के लिए, तो ये हमें सभी बीम को अप्लाई करना है। तो बीम के लिए हमें क्योंकि बीम हमारे पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड हैं तो हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और कॉलम हमारे किस तरह से हैं वाई के पैरेलल में, ठीक है। देखिए इनको किस तरह सेलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट में गया मैं बीम पैरेलल टू एक्स, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड और मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये 25 बीम का हो गया। कॉलम के लिए 40 तो सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई और ये मैंने असाइन कर दिया। 25 कंक्रीट का ग्रेड कोरे स्ट्रक्चर के लिए सेम ले रहे हैं हम, इसी तरह स्टील का सेम ले रहे हैं, स्टीरअप का भी सेम ले रहे हैं, रेंज जो दी है हमने मेन रिइंफोर्समेंट की वो भी सेम ले रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर के लिए, तो लगभग ये सारी चीज़ें अलग अलग भी ले सकते हो आप जैसे आपकी प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग। रेशियो भी पूरे स्ट्रक्चर के लिए आप बीम के लिए अलग कॉलम के लिए अलग डिफाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन बीम बीम के लिए होगा तो बीम पैरेलल टू एक्स बीम पैरेलल टू जेड और अप्लाई कर देंगे हम इसको, इसी तरह कॉलम पे हम करके इसको अप्लाई कर देंगे, बस ये हो चुका है। अब एनालाइज कर देंगे इसको, डन। अब किसी भी बीम पर डबल क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे टैब आ रहा है कंक्रीट का, तो ये डिज़ाइन हो चुका है, डाटा आ रहा है, इसी तरह कॉलम का देख सकते हैं हम। ये देखिए अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो, अभी ये वीडियो मेरे को लॉन्ग नहीं बनानी है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि कंक्रीट डिज़ाइन ये बीम का प्लान टॉप व्यू है जिसमें दिखाया गया है कि ये हमारे ये देखिए स्टीरअप है जो 6 mm का लिया है, 20 स्टीरअप है 120 की स्पेसिंग पर mm में, नीचे बॉटम में तीन बार 16 डाया के हमने डाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी 316 के, यहाँ पे भी 316 के, यहाँ पे सेक्शन काट के दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम कॉलम का देख लेते हैं, कॉलम में देखिए इन्होंने लिए हैं आपके 8 bars 12 mm के में पास हो गया, जो टोटल स्टील लिया है इन्होंने 0.45 लिया है परसेंटेज, एरिया ऑफ कॉलम इतना है और ये सारा डाटा है आपका। इसी चीज़ को आप आउटपुट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जाके आउटपुट, यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे कंक्रीट, यहाँ पे देखिए बीम नंबर 41 का पैरा सारे डाटा है। अच्छा यहाँ पे डबल क्लिक करके बार से उतारते हैं यहाँ पे एरिया, और आप एरिया यहाँ से लेके प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉप पे इतना एरिया है, यहाँ पर भी इक्वल एरिया है और यहाँ पे इतना एरिया है, कितने किस स्पैन पे किस किस लेंथ पे इन्होंने दिया है, ये लेंथ है। इसी तरह से आप कॉलम का देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा आपका कॉलम, नीचे होगा और कॉलम नंबर ये, और कॉलम के लिए स्टील का एरिया कितना रिक्वायरमेंट है, इस कॉलम के लिए 71वें कॉलम के लिए कंक्रीट इतना चाहिए और 8 bar 12 डाया के आपने इतने mm पे प्रोवाइड किया, और उसके लिए स्टीरअप आपने 8 mm के लिए 190 cc स्पेसिंग। अब जो मैंने एक कमांड लिया था कंक्रीट टेक ऑफ, उसको भी देख लेते हैं वो क्या बताता है हमारा कंक्रीट टेक ऑफ, सबसे लास्ट में आपको बताएगा ये कि हमने जो बार यूज़ किए हैं इस स्ट्रक्चर में, 6 mm का यूज़ किया है हमने, 8 mm का यूज़ किया है, 12 mm का यूज़ किया है और हमने 16 mm का यूज़ किया है, जिनका टोटल 6 mm का वेट इतना है और टोटल वेट इतना है, टोटल इतना न्यूटन, न्यूटन को आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए और आप केजी को टन में, और टन के हिसाब से जो मार्केट में रेट मिलता है तो आप रिइंफोर्समेंट का प्राइस निकाल सकते हैं, उसी तरह कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम 168 क्यूबिक मीटर। तो टेक ऑफ कमांड हमारा इसलिए काम आता है, आप इससे एस्टिमेट करेंगे तो बिल्डिंग के मटेरियल की कॉस्ट आ सकती है। तो ये था स्मॉल फास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट आरसीसी डिज़ाइन। व्यूवर के कमेंट के लिए के रिप्लाई के लिए मैंने वीडियो बनाई है, इसी तरह मैं अभी देखता हूँ अगर टाइम बचता है तो और रिप्लाई करता हूँ। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरी वेबसाइट पर भी जाना ना भूलिए www.engineersforcivil.com। यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स बुक्स और भी डाटा मिल सकता है, इसको फॉलो कर लीजिएगा यहाँ से वेबसाइट को, और यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल की सीरीज़ में जा सकते हो, यहाँ से आप बुक सिविल इंजीनियर्स
और गेट के लिए और सॉफ्टवेयर बुक्स भी आप यहाँ से देखिए, स्टैट प्रो, ई टैब, इनकी बुक्स भी बाय कर सकते हो और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बुक बाय कर सकते हो आप। एक हेल्प और आप मेरी कर सकते हो, इस साइट पे जाके जो एड्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एड्स आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जिससे मेरे को थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। इतनी अर्निंग नहीं होती है जितनी इसमें वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वेबसाइट फॉलो कीजिए। थैंक यू।